Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke Dorala mein cold storage ki deewar girne se ab tak 5 logon ki maut ho chuki hai. Kai logon ke abhi bhi malbe mein dabe hone ki aashanka jatayi ja rahi hai. Police aur prashasan ki teamein bachao aur rahat karya mein juti hui hain. NDRF को भी मौके पर बुलाया गया। एक अनुमान के अनुसार 27 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। सदना SDM, DM, SSP, कमिश्नर आदि मौके पर पहुंचे। अभी तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है। इस दौरान मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जय ने ये सूचना दी। इसमें लगभग 5 लोगों का डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं और अराउंड बाकी 27 टोटल बता रहे हैं। बाकी रेस्क्यू 4 लोगों का अभी देखा जा रहा है। कुछ लोग बाहर भी हैं, उन्हीं को ट्रेस कर रहे हैं और अभी वही फाइनल रेस्क्यू ऑप्शन चल रहा है ताकि कोई दबे ना, उसमें वही ऑपरेशन चल रहा है। किसका ये आलम है? ये अभी जांच का विषय है, अभी पूरा ट्रेस कर रहे हैं हम लोग, है ना। IG प्रवीण कुमार ने यह बताया। मोबाइल हटाने पर बाकी चीजें पे बात है। सर कितने लोग दबे हुए हैं, क्या शंका है? अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स देख करके डिसाइड करेंगे। यहाँ पर प्रथम दृष्टि आता है तो 5 लोगों में जान ठीक नहीं हो रही है, जिसको डॉक्टर्स देख करके एग्जामिन करके। टोटल कितने सर कितने लोग दबे हुए हैं? 12 लोगों को यहाँ से निकाला गया, जो 7 लोग अभी तक मेरी जानकारी में चल रहा है वो ठीक सर। मौके पर पहुंचे DM दीपक मीणा ने यह जानकारी दी। पूरी टीम मूव हो गई, फायर ब्रिगेड से लेकर पुलिस प्रशासन सारे लोग मूव हो गए। हम लोगों ने अब तक 12 लोगों को इसमें से रेस्क्यू कर लिया है और जो लोग बताया जा रहा है वो टोटल 20 से 25 लोगों का बताया जा रहा है, जिनमें से कुछ लेबर पहले भी निकल गई थी। एग्जैक्टली नाम और नंबर के साथ लेबर की पूरी सर्च की जा रही है कि कोई भी गलती से अंदर ना रहे। बाकी पर्याप्त मशीन्स, पर्याप्त मैन पावर यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और NDRF भी अभी 5 मिनट में ऑलरेडी मूव कर गई थी उसी टाइम पर और पहुँच जाएगी। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक चलेगा, जब तक हम लोग पूरे मुतमईन ना हो जाए कि एक भी व्यक्ति इसमें अंदर ना रहे, और कोशिश यही है कि सबको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कैजुअलिटीज कम से कम हो। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और हाँ, चैनल को लाइक करना व सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।